नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड हाई कोर्ट का जेपीएससी को निर्देश। नागपुरी भाषा के प्रार्थी को साक्षात्कार में करें शामिल। अदालत ने कहा, यदि साक्षात्कार समाप्त नहीं हुआ है तो प्रार्थी को उसमें शामिल कराया जाए। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने व्याख्याता नियुक्ति साक्षात्कार में शामिल कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद जेपीएससी को प्रार्थी औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा है, यदि साक्षात्कार समाप्त नहीं हुआ है तो प्रार्थी को उसमें शामिल कराया जाए, उनका साक्षात्कार लिया जाए। ये भी कहा गया है कि मामले के अंतिम फैसले से साक्षात्कार प्रभावित होगा। साथ ही जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित की है। जेपीएससी द्वारा उन्हें बुलावा नहीं भेजा गया है। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने अदालत को बताया है कि प्रार्थी ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा शुल्क आयोग को प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आयोग द्वारा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलाया नहीं भेजा गया, यानी बुलावा नहीं भेजा गया। प्रार्थी मनोज कक्षप ने याचिका दायर की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।